है भाई, धोलावीरा के लोगों की रैली। So guys, finally हम पहुंच गए हड़प्पा संस्कृति में। तो आपको दिखाते हैं, अभी चलते हैं किताबों से, अब आपके सामने, नजरों के सामने होगा। चलो, यहाँ का म्यूजियम धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति का, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं धोलावीरा ए हड़प्पन सिटी। ये रहा मैप, जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था वही सब है। एंड आई थिंक ये सिंबल्स हैं जो कि इनका कुछ मीनिंग होता होगा, वो यूज़ करते होंगे अपने टाइम में। इस यहाँ पे देखो, हाउस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंजीनियर से आर पर एक्सीलेंट, बहुत ही एक्सीलेंट था इनका, बहुत ही उम्दा जो भी चीज़ें इन्होंने बनाई थी, हड़प्पा संस्कृति ने जो भी बनाई थी बहुत ही उम्दा था, बहुत ही गजब था उस टाइम में यहाँ के, इस टाइम के मुकाबले। म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत ही पुराने पुराने बर्तन, तो वहाँ पे आपको वीडियो बनाने नहीं दिया जाता है। ये है गाइस हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके लिए हम यहाँ आए हैं धोलावीरा। मस्त है एकदम, मोहनजोदड़ो ये देखो, ये पाकिस्तान में है, ये भी उनका ही था। सो जितना मैं बना पाया म्यूज़ियम के अंदर उतनी मैंने वीडियो बनाई। सो गाइस, म्यूज़ियम के अंदर एंटर करते ही हमने देखा कि यहाँ पे एक थिएटर भी बना हुआ है, जिसके अंदर एक बड़ा सा टीवी रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे यहाँ पे रही थी, उनकी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े टैम्पलेट्स लगे हुए हैं, जिनमें दिखाया गया है कि वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे कैसे उनका उपयोग होता था, सब चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तो था यहाँ का म्यूज़ियम, और अभी हम चल के देखते हैं लाइव जो मकान उन्होंने बनाए थे और बाद में उनको खोद के निकाला गया ज़मीन से, अभी वहाँ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो सामने है उधर, तो वहाँ चलते हैं अभी। पहले ऐसे रहते थे, ये पूरा सिटी का चार्ट, ये रहा, ये है ना जो, हाँ हाँ हाँ, ये उन्होंने ही बनाया है, ये रहा मैप, ये सब चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इन्होंने खोद के निकाला था, पूरा मिट्टी के अंदर धस गया था। चलो आगे देखते हैं, ये देखो इधर वो आई है ना बाहर, हाँ बादल छा गए, 5000 years, बहुत है। ये पानी का स्टोरेज, पानी को स्टोर करते थे। तो म्यूज़ियम में हमें बताया गया कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वाटर है वो सिर्फ पानी है, जो बारिश का उसी का होता था, बाकी आसपास की जो नदियाँ हैं या अंदर का जो पानी है ज़मीन के, वो खारा होता था, तो वो उसी पे डिपेंड रहते थे, बारिश के पानी पे डिपेंड रहते थे। एंड उस पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बनाए हुए थे अपने, जो कि वाटर स्टोरेज टैंक के नाम से, वो चीज़ अभी भी यहाँ पे फॉलो की जाती है पूरे कच्छ में। तो क्योंकि ज़मीन के नीचे अगर बोर करते हैं तो पानी है जो वो खारा ही निकलेगा, इसलिए जो नर्मदा नदी का पानी है वो आता है, तो लोग अपने घरों में नीचे टैंक बनवाते हैं और उसमें स्टोर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति वाले टेक्निक यूज़ करते थे वो पूरे कच्छ में अभी भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी का सोर्स वही है नर्मदा नदी, बाकी नीचे से तो निकलता नहीं है, निकलता है तो वो खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। तो अभी चलते हैं हम हड़प्पा संस्कृति की ओर, दिखाते हैं आपको, बनाया तो बनाया गजब बनाया। पहले के जो लोग थे ना, वो अपना घर बनाने में और सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, बहुत ही उम्दा चीज़ें यूज़ करी जाती थी, इनकी दीवारें देखना कितनी मोटी मोटी होंगी, इसीलिए इनको गर्मी नहीं लगती थी। इधर तो वो लोग रहते होंगे, हर टाइम में टेम्परेचर एक जैसा रहता है यहाँ। वाह, रिजर्व मतलब ये पानी स्टोर करते थे,
क्या बात है। पानी स्टोरेज का तो नहीं है शायद, या हो भी सकता है। नहीं, उसी का ही है। उसका ही है। बड़ा वो कर दिया मैंने, रीड किया। अच्छा उधर है क्या? हाँ, पूर्वी जलाशय मीन्स ये वाटर टैंक था इनका। एंड ये जो सिंबल देख रहे हो, ये जो सिंबल देख रहे हो, ये लैंग्वेज थी इनकी जो कि अभी तक डिकोड नहीं की गई है। मैंने वहाँ म्यूजियम में पूछा था उनसे इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को डिकोड नहीं किया गया अभी तक। अभी चलते हैं अंदर। वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली चीज़ होगी भाई, बचपन से जो किताबों में पढ़ा है आज देखेंगे सामने। चलो ऊपर जाने के लिए पत्थर ही पत्थर है। ओ भाई ये देखो, कुछ ऐसा यहाँ का इंटीरियर है। पत्थर देख रहे हो काट काट के बनाए गए हैं। सीढ़ियाँ टोटली पत्थर की। इतना ही है क्या ये? अच्छा आगे भी है, पूरा है। पूरा सिटी या जो भी बोलो आप, बहुत ही ऊंचाई पे बनाया हुआ है। वो साइड देख, टूट रहे हैं धीरे धीरे। 5000 साल ये जो इन्होंने यूज करी हुई है ना, ये दोबारा से बनाया गया क्या? टूट फूट गया होगा। इन्होंने वो कर दिया फिर इस चार्ट को। एक तरह से पूरा गांव ही था इधर, ये सारा इन्होंने बनाया हुआ था अपना गांव, घर सब चीज़ें सब देखने आए हुए हैं। एंड यहाँ से ये वाला नज़ारा देखो भाई साहब, क्या ही जबरदस्त है यार, गजब एकदम। देखो मस्त है यार। था उनका पानी का शायद, इसमें से पानी रिस रिस के जाता था नीचे, है ना? हाँ वही है, ये सही बनाया है। हाँ इधर भी अच्छा, वो बाउंड्री के बारे में बोल रहे थे वो। हाँ हाँ वही है, उधर से पूरी बाउंड्री होगी, उधर से उधर भी है ना घर, उधर उधर भी है। हाँ हाँ हाँ, लोअर वाले अपर वाले उधर भी है आई थिंक। वहाँ ये तो शुरू से ही चलती आती रही है। अगर शुरू में नहीं होता ना तो अभी भी नहीं होता। गाइज अगर आप इजिप्ट के बारे में जानते हो तो वहाँ पे पिरामिड हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में गिने जाते थे पहले, बट अभी तो ऊंची ऊंची उससे भी ज़्यादा बिल्डिंगें बन चुकी हैं। बट कहने का मतलब ये है कि पिरामिड से नीचे जो भी जगह थी वो पूरी की पूरी जगह मिट्टी के अंदर धंस गई थी, उसको भी ऐसे ही खोद के निकाला गया था। एंड
ये हड़प्पा संस्कृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही खोद के निकाली गई थी। ये उनका एक पार्ट है, और भी उनकी जो सिविलाइजेशन थी अलग अलग जगह पर थी, और वो सारी ही ऐसे की ऐसी खोद कर ज़मीन से निकाली गई थी, क्योंकि वो सब मिट्टी में दब गई थी। मेरे मन में हमेशा ही एक सवाल रहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जो इनके घर थे वो मिट्टी में दब गए हैं। इनकी सिविलाइजेशन का कोई भी आदमी, कोई भी पीढ़ी आगे क्यों नहीं आई, या कोई क्यों नहीं जानता इनके बारे में, जैसे कि हमारी पीढ़ियां आगे से आगे चलती आती रही हैं। पहले राजा महाराजा थे, उसके बाद फिर हम हैं, तो ये पीढ़ी हमारी चलती जा रही है आगे से आगे। तो उस तरह से इनकी पीढ़ियाँ आगे क्यों नहीं आईं, और इनकी जो सभ्यता थी, इनकी जो चीज़ें थी, इनकी जो भाषा थी, वो डिकोड अब तक क्यों नहीं हो पाई। बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में हमेशा रहते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल पाते हैं, पूछने पर भी लोगों को पता नहीं होती हैं। बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो अनसोल्व रहती हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, खोजबीन करना, इन सब चीज़ों का हिस्ट्री जानने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए अक्सर मैं ऐसी जगहों पे जाना पसंद करता हूँ। सुबह उठते ही ये बादल, पहाड़, ग्रीनरी, ये सब देखते होंगे वो लोग 5000 ईयर्स पहले, बहुत टाइम हो गया, फिर भी इनके ये अभी भी है। और हमारी जो चीज़ें होती हैं, 100 साल बिल्डिंग भी बना लो ना, पुल बना लो, अभी इसकी उम्र सिर्फ 100 साल होती है, तो ये 5000 ईयर्स ऐसे ही पड़े हैं। क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या चीज़ें थी, इनकी ज़बरदस्त थी, जो भी थी, पहले वाली चीज़ें शायद अब कभी होंगी भी नहीं। लालच आ गई है ना लोगों में, रोड बनाने की जगह रेत गिरा देते हैं, बस चलो भाई हो गया। ये क्या था भाई? अरे पानी, पानी कहाँ चला गया भाई? बारिश में, इतनी बारिश हुई थी, पानी तो होना चाहिए था। आवाज गूंज रही है ना? भागो भूत आ गया, भागो भूत आ गया। इसमें है पानी है? इस वाले में पानी है, पानी नहीं है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले के हड़प्पा नाम के जगह से इस सभ्यता की जानकारी मिली थी। 1922 में जब मोहन जोदड़ो और दूसरी जगहों का पता चला, तब यह मानकर कि सिंधु घाटी के इर्द गिर्द ही इस सभ्यता का फैलाव है, इसका नाम भी सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। परंतु इस नाम से भी सभ्यता की सही ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव में इनकम्प्लीट है, सो इसका सूटेबल नाम हड़प्पा ही है, क्योंकि किसी लुप्त यानी लॉस्ट सभ्यता का नामकरण यूजुअली उस नाम के ऊपर किया जाता है जहां से सबसे पहले इस सभ्यता से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। इन प्रेजेंट हड़प्पा सभ्यता का एरिया 12,99,600 स्क्वायर माइल्स है। इसका एक्सटेंशन वेस्ट में सुतगेंडोर के मकरान तट से ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ जिला एवं उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक था। सबसे उत्तर में गुमला एंड सबसे दक्षिण में सूरत जिले का हलवाना इसमें शामिल है। सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता इन जगहों पर पाई गई है, वो हैं बलूचिस्तान, सिंधु, पाकिस्तान का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां का अभी आप वीडियो देख ही रहे हो। वो करके बनाया है, काट के बनाया है। ज़्यादातर यहाँ पे नेचुरल चीज़ें ही यूज करी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर हैं, एंड ये बड़ा सा पत्थर है जो कि काट कर एक दीवार के रूप में इसको तराशा गया है, एंड उसके चारों तरफ फिर उसके ऊपर पत्थर लगाए गए हैं, और ये वाटर टैंक ही है।
ये है इनका वाटर स्टोरेज हड़प्पा संस्कृति वालों का, जो कि बहुत ही उम्दा माना जाता है तब के टाइम का। सोचो 5000 ईयर्स पहले ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी। और देखो कितना ही मस्त है, मेंढक कूद रहे अब तो इसमें। वैसे ऊपर भी था, वैसे यहाँ भी है, अगर यहाँ पानी है तो उसमें भी होना चाहिए था, है ना? नीचे वाले स्मार्ट हो गए, हो सकता है इसमें पानी भरा है, पत्थरों को काट के ही बनाया है उधर से पूरा। और फिर जहाँ तक वो पत्थर नहीं था वहाँ पे फिर उन्होंने वो ईंटें लगा दी, वो भी पत्थर ही है, पत्थरों की ईंट बना दी। हेलो हेलो, इको हो रही है ना? वो बना है बिल, तो यही रहेंगे सांप बिच्छू गोजर कीड़े मकोड़े। आंखें बंद कर दे, मर 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 मर, आंख मार दे। अरे आंख नहीं मार रहा, वो बंद कर रहे हैं, मार रे लात मारना उसको, चिपक जाएगा तो नहीं। अरे बाहर है वो, चिपक थोड़ी जाएगा, मार 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 मार। अरे कुछ नहीं हो रहा, नहीं 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 आप मारो, जब मैं वीडियो बनाता हूँ दिखना चाहिए, ये ज़ूम कर लीजिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पकड़ रखा ऐसे कर। और गिर गया, सही लगा नहीं। ये भाई धोलावीरा के लोगों की रैली, आज इंडिपेंडेंस डे था तो धोलावीरा गांव के सभी लोग रैली में गए हुए थे। आप देख ही सकते हो कितनी लंबी रैली है, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा गांव इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए इकट्ठा हो गया है। अच्छा लगता है लोगों को देख के अपने देश के लिए प्यार। गाइज इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है, अगर आपने उसे कुछ नया सीखा है, वीडियो आपको पसंद आई है या ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। और गाइज वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कहीं और किसी और जगह। टिल देन स्टे ट्यून्ड।